नमस्कार, मैं हूं नेहा अविनाश सिंह और आप देख रहे हैं डॉक्टर लाइव। आज डॉक्टर लाइव में हमारे साथ डॉक्टर नवीन अग्रवाल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज डॉक्टर लाइव में हम बात करेंगे पैथोलॉजी के बारे में। पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजिस्ट क्या होते हैं। डॉक्टर साहब खुद अपने डिपार्टमेंट के सीनियर हैं, हेड ऑफ पैथोलॉजी हैं, अपने डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। किस तरह से ये डिपार्टमेंट या ये लाइन, अगर हम कहें, ये मरीजों के लिए मददगार साबित हो सकता है, जो कि अभी तक नहीं हो रहा है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। आज पूरी डिटेल से इसके बारे में जानेंगे आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर लाइव में। आजकल की अगर हम बात की जाए तो आजकल देखा जा रहा है कि डॉक्टर किसी भी बीमारी के निदान के लिए कुछ जाँच जरूर बताते हैं, कुछ जाँच जरूर करवाते हैं, तो उसी को हम पैथोलॉजी कह सकते हैं। पैथोलॉजी के प्रकारों की हम बात कर रहे हैं, साइटोपैथोलॉजी भी पैथोलॉजी के प्रकारों में ही आता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, ये भी पैथोलॉजी की ही एक लाइन है। तो अलग अलग हम जानेंगे पैथोलॉजी के बारे में कि आखिरकार पैथोलॉजी क्या है। विश्वसनीयता के बारे में जानेंगे, क्योंकि अक्सर हम किसी भी लैब में जाकर अपना टेस्ट करवा लेते हैं और यकीन मानिए लैब टू लैब कई बार टेस्ट भी डिफर करते हैं। चलिए सबसे पहले नवीन जी, सबसे पहला सवाल, पैथोलॉजिस्ट क्या होते हैं, पैथोलॉजी क्या होती है? पैथोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डिजीज। इसमें हम बीमारी को विश्लेषण करते हैं। पैथोलॉजिस्ट आर अ डॉक्टर्स हु स्पेशली आर ट्रेन टू डू दिस काइंड ऑफ एनालिसिस, जिनके पास काफ़ी रिसर्च और अध्ययन के बाद उनके अंदर ये स्टडी के बाद उनको डिग्री दी जाती है, ताकि वो एनालिसिस कर सकें और बता सकें कौन से तरीके की बीमारी है उस ऑर्गन में जी, और क्या है उसको। तो बेसिकली अगर आप जानना चाहते हैं कि पैथोलॉजी क्या है, तो पैथोलॉजी का मतलब ये है कि आपको ये बताने वाली कि आपकी बीमारी क्या है और किस स्टेज पर है, अगर लेमन लैंग्वेज में कहें। तो अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं पैथोलॉजी के बारे में, या फिर जिस लैब में आप अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं, आपको कुछ शक हो रहा है उस लैब पे, तो आप एक बार कॉल जरूर कीजिए। 011-4321-4321 हमारा नंबर है, 01-1-4321-4321 हमारा नंबर है। कॉल जरूर कीजिएगा, जानिए, क्योंकि पैथोलॉजी डॉक्टर के साथ साथ एक विश्वसनीयता का भी काम है। जब आप एक डॉक्टर को भगवान मानते हैं, तो पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सबसे पहले भरोसे के इंसान होते हैं, जिन पर आप भरोसा सबसे ज्यादा करते हैं। और डॉक्टर्स भी आपको वही बताएंगे जो आपकी रिपोर्ट में लिखा होगा। तो अगर रिपोर्ट आप बिल्कुल सही लैब से करवाएंगे, तभी तो डॉक्टर आपको सही इलाज बता पाएंगे। तो डॉक्टर नवीन, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या है। हिस्टोपैथोलॉजी एक पैथोलॉजी की स्पेशली ब्रांच है, जिसमें हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज, जिसमें चाहे ऑर्गन हो सकता है, कोई बायोप्सी मटेरियल हो सकता है, और पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिजीज। सो हिस्टोपैथोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ डिजीज इन डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज। इसमें जो हमारी हम इसमें स्मॉल बायोप्सी भी लेते हैं, जो रेडियो मतलब LCD स्कैन या अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी हो सकती है, मतलब सर्जिकल एक्सीजन बायोप्सी हो सकती है जी। इसकी हम एनालिसिस करते हैं। इसमें जैसे टिश्यू आता है, किसी भी पेशेंट का सैंपल आता है, उसके अंदर हम लोग हमारे काफ़ी एनालिसिस प्रोसीजर होते हैं, जो एक अब ऑटोमेटेड मशीन्स के द्वारा होता है। फिर उसको हम कलर करके 2 μm या 2 से 3 μm सेक्शंस काट के हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। तो अगर हम पैथोलॉजिस्ट की बात करें, मैं दोबारा से अपने पहले क्वेश्चन पे जाना चाहूंगी, क्या सचमुच फर्क पड़ता है? जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि लैब टू लैब टेस्ट डिफर करता है, मैंने दर्शकों को भी बोला, क्या सचमुच इससे आगे इलाज में भी फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, स्पेशली इन ऑन्कोलॉजी, क्योंकि ऑन्कोलॉजी में जैसे हम टेस्ट करते हैं, हमारा मेन रीजन क्या है कि हम क्यों टेस्ट करना चाहते हैं ऑन्कोलॉजी में? 2 रीजन होते हैं। पहला तो हम डायग्नोसिस करना चाहते हैं कि आदमी को कैंसर है तो कि और किस तरह का कैंसर है जी। और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, मतलब अगर एपिथेलियल टिश्यूज़ का कैंसर होता है तो उसको कार्सिनोमा बोलते हैं, अगर मेसेनकाइमल टिश्यूज़ का होता है सार्कोमा बोलते हैं, ब्लड कैंसर होता है तो ल्यूकीमिया या लिम्फोमा होते हैं। तो एक तो हमारा मेन रीज़न है कि हम कौन से टाइप ऑफ कैंसर है उसको पता लगाने के लिए जी। दूसरा ये होता है कि जैसे किसी को अगर हमने और सर्जन ने ऑपरेशन किया है, मान लीजिए कैंसर समझ के, तो ऑपरेशन किया है तो ऑपरेशन ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, उसके मार्जिन्स ठीक हैं कि नहीं है, एडिक्वेट मार्जिन के बीच में गैप दिया गया है कि नहीं दिया गया, उसका स्टेज क्या है। स्टेज का मतलब ये होता है कि जैसे हम ऑपरेशन से पहले अनुमान लगाते हैं कि कैंसर यहाँ तक फैला हुआ है जी। रेडियोलॉजी वगैरह सब चीज़ों में वो अनुमान लगाया जाता है, और अनुमान का मतलब एक अप्रोक्सीमेट स्टेज दिया जाता है, जो कि कन्फर्मेशन पैथोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है।
दूसरा अभी जैसे आप कैंसर का किसी ने ऑपरेशन किया तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे ट्यूमर कैसा है. मान लीजिए थायराइड के हिसाब में पेपिलरी कार्सिनोमा है तो ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा उसका. और जैसे प्रोस्टेट में ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ग्रेड अगर हाई है तो ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्ड कम आएगा उसका, 9-10 है तो ठीक है. उसके अंदर लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन कितना है ट्यूमर के अंदर, मान लीजिए ट्यूमर के अंदर लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन का मतलब ये हुआ कि अगर कोशिकाओं में, ब्लड की कोशिकाओं में कैंसर फैल गया है तो वो डायग्नोसिस के बाद भी आगे जगह फैला हुआ हो सकता है. हमें लग रहा हो कि छोटी जगह है अभी, एक ही जगह, लेकिन हो सकता है फैला हुआ हो कैंसर. उसके अंदर उसकी मारक क्षमता कितनी है, इसको हम माइटोटिक एक्टिविटी कहते हैं. तो अगर वो ज़्यादा है तो कैंसर के चांसेस हैं रिकर होने के बहुत ज़्यादा. और उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि स्टेज है ना, ये पूरी जब एनालिसिस होती है तो उसकी पैथोलॉजिकल स्टेज दिया जाता है, जिसको TNM कहते हैं. ट्यूमर साइज के ऊपर होता है, लिम्फ नोड स्टेटस के ऊपर होता है, मेटास्टेटिक कंपोनेंट होता है. ट्यूमर साइज में देखा जाता है कि साइज छोटे से बड़ा है तो स्टेज बढ़ता जाता है. और लिम्फ नोड कितने लिम्फ नोड हैं, कहाँ फैला हुआ है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्फ नोड का स्टेटस पता लगाना, उसके ऊपर स्टेजिंग चेंज हो जाती है पूरी की पूरी. कोलोन कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 से कम लिम्फ नोड हुए तो सर्जरी ठीक से नहीं हुई है. 12 इज इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड इन कोलोनिक कैंसर ऑपरेशंस. और मान लीजिए माइटोटिक काउंट्स हैं, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है किसी का, अगर माइटोटिक काउंट कम है तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छा है, उसको ट्रीटमेंट लेने की शायद जरूरत ना पड़े. किसी को अगर माइटोटिक काउंट हाई है, मतलब मोर देन 20 है, तो उसको कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी, जरूरी है ही लेना ही. मान लीजिए जर्म सेल ट्यूमर है बच्चे का, अगर सिंगल जर्म सेल है तो कोई सेमिनोमा ही है तो हो सकता है कोई और ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़े. मिक्स जर्म सेल है तो कीमोथेरेपी करना पड़े. तो ये सारा का सारा जो एनालिसिस है, एक ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट या कैंसर पैथोलॉजिस्ट का काम है ये पूरी की पूरी एनालिसिस करना और पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाना, जिसके ऊपर उसके आदमी की ट्रीटमेंट हो सके प्रॉपरली और उसके रिकरेंसेस ना हो और जो उसका इलाज बहुत ही अच्छी तरह से हो सके. तो ये बेस जेस्ट यही है कि अगर कैंसर का इलाज बेस्ट तरीके से करना है तो बेस्ट पैथोलॉजी तरीके से रिपोर्ट होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन से रिपोर्ट होनी चाहिए. आजकल जैसे आपने बताया नेहा जी, प्रॉब्लम इज कि कैंसर की पद्धति में रोज नए अपडेट्स आते हैं. यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि कैंसर में हर रोज नई चीजें अपडेट आ रही हैं, तो उसके लिए आप लोगों को कितना, बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट, आप लोगों को या आपकी लाइन में कितना अपडेट रहना पड़ता होगा? हमें रोज ही पढ़ना पड़ता है जी. रोज मतलब आप समझ लीजिए हर 2 साल में न्यू अपडेट्स आ जाती हैं. जैसे अभी AGCC 8th एडिशन आ गया है, हर कैंसर की रिपोर्टिंग और ट्रीटमेंट चेंज हो गई. सो देयर आर मेजर चेंजेस एंड अ गुड पैथोलॉजिस्ट हैज टू बी अपडेटेड अबाउट इट एंड डू द जस्टिस टू द पेशेंट एंड इन द वे ऑफ गिविंग अ प्रॉपर रिपोर्ट. सो वी हैव टू बी रियली अपडेटेड. और जो बेसिकली इन कैंसर मैनेजमेंट pathologists are a part of a tumor board where everybody discuss the case and the reporting is done according to the proper guideline. So it depends, you know, I really say ki these kind of facilities are not available everywhere. It is only available in tertiary care centers where there is a group of people where discuss the case. So it's important, agar kisi ko koi cancer hota hai to uska diagnosis दोबारा जरूर चेक कराए कि प्रॉपरली तरीके से हुआ है या ना हुआ है और उसकी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग विश्व जो क्राइटेरिया है वो ले और उसका तभी इलाज बढ़िया हो सकता है. एक चीज और, डॉक्टर्स को हम भगवान कहते हैं, आपका डिपार्टमेंट भगवान को भगवान बनने में कितनी मदद करता है? थोड़ा लाइट क्वेश्चन, कुछ माहौल थोड़ा लाइट हो जाए. देखिए डॉक्टर्स भगवान लोग कहते हैं जी, पर ये नियमत है भगवान की जो हमें इस तरह का काबिल बनाया है उन्होंने जी. आज मैं ये कह सकता हूँ कि पैथोलॉजी के बिना ऑन्कोलॉजी की सर्विसेज का कोई महत्व नहीं है. स्पेशली हर केस में, हर स्टेज में यू नीड अ राइट डायग्नोसिस एंड राइट अप्रोच. जैसे आप मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी की बात करें, साइटोपैथोलॉजी में आजकल इतनी एडवांसमेंट हो गई है, आप पेशेंट को कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं करना पड़ता है. आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड बायोप्सी कराइए, कल रिपोर्ट लीजिए. अगर मेलिगेंसी है कल रिपोर्ट लीजिए, परसों ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लीजिए. बहुत एडवांसेस हो गई हैं. जरूर पहले सब कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर होते थे, आजकल अब छोटे छोटे टू कट बायोप्सी का जमाना आ गया है. अब ज़्यादा मेजर है ना बायोप्सी बड़ी बड़ी नहीं करनी पड़ती,
ओनली इंडिकेटेड होता है तभी करनी पड़ती है. नाउ द एवरीबडी फॉलो द गाइडलाइंस, जैसे NCCN कैंसर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस हैं, उसके अंदर हर चीज़ का, हर कैंसर का इलाज एक पर्टिकुलरली तरीके से लिखा हुआ है. आप इस तरह प्रोसेस करिए, इस तरह ये टेस्ट करिए, ये मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी करिए. सो बिग सेंटर्स लाइक आवर सेंटर डू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस. एंड आई रियली एडवोकेट, और मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ सबसे, कि जिसको भी कैंसर डायग्नोज हो, एक अच्छे सेंटर में जाके अपना केस रिव्यू कराइए, अपने पैथोलॉजी की रिव्यू कराइए, सब कुछ, ताकि एक प्रॉपर इलाज हो सके, जिससे आपके कैंसर का ठीक तरीके से सही टाइम पे प्रॉपर काम हो सके. जी, और आपने बोला कि सही सेंटर में, लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये जो पैथोलॉजी है, ये जो लैब है, ये सही है? एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि हमें लगता है जो हमारे आसपास है, हमारे जानकार का है, तो इनके पास पहले चले जाते हैं. लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, पहले उन्हें ले लेते हैं. अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. आप क्या सवाल जानना चाहेंगे? सवाल कीजिए. मैं जानना चाहूँ जी, मेरा गला खराब हो गया जी. जी, बार बार गला खराब हो जाता है जी. जी, तो आपको ये डाउट है कि कहीं कैंसर ना हो, इस तरह का क्या शंका मन में आ रही है आपके? हाँ, चले जी, कैंसर की शिकायत ना हो जाए, बार बार हो जाए खराब. हाँ, तो आप अपना एक लैरिंजोस्कोपी कराइए, और हो सके तो बायोप्सी कराइए, उसके अंदर से अपना रूल आउट करिए. आपकी उम्र कितनी है भाई साहब? मेरी 40 साल. कितनी? 40 साल. 40 साल है. तो फिर आपको बहुत ज़रूरत है कि आप कैंसर रूल आउट करें. अगर बार बार आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आप हमारे सेंटर में आइए, या आसपास किसी भी सेंटर में जाके एक बार अपनी नली से जाँच कराइए, हो सकता है वो बायोप्सी भी लेंगे, और उसको जाँच कराइए और रूल आउट करिए. कैंसर देखिए, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ कैंसर हो, पर आपको उसकी डायग्नोसिस करना है, ताकि आप उसको अगर है तो जल्दी पकड़ सकें. कैंसर के अंदर अगर डायग्नोसिस जल्दी हो सकता है, तो बहुत आराम से अच्छी तरह से मैनेजमेंट हो जाता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा. इसलिए अब मैं आपको एडवाइस देता हूँ, आप चाहें तो हमारे सेंटर में भी आ सकते हैं, और लैरिंजोस्कोपी करा सकते हैं, और बायोप्सी करवा के अपने ये शंका दूर कर सकते हैं. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया. और भी अगर कोई दर्शक, किसी के मन में कोई डाउट है कैंसर को लेके, या पैथोलॉजी को लेके, या आपकी कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कॉल जरूर कीजिए. कुरुक्षेत्र से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं. विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में, आप अपना सवाल पूछिए. विकास जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है फोन कट गया. लैब की हम बात कर रहे थे कि पता कैसे चले कि ये ऑथेंटिक है या नहीं. देखिए, अब देयर आर लॉट ऑफ एक्रेडिटेशन बॉडीज. इंडिया में NABL एक्रेडिटेशन चलता है, जो कि एक बहुत ही विश्वसनीय एक्रेडिटेशन है, जिसके ना होना बहुत ज़रूरी है लैब के अंदर. दूसरा, स्पेशली फॉर कैंसर, मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे लैब कैसी भी हो, यू शुड नो कि पैथोलॉजिस्ट कैसा है, उसके अंदर एक्सपीरियंस कितना है, जो कैंसर का काम करता है और कितना अपडेटेड है. सो इसलिए मैं कह रहा था कि टर्शियरी केयर सेंटर में क्या अपडेशन, जैसे हमारा हॉस्पिटल है, वी गो थ्रू रेगुलरली, हमारे इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, CMEs होते हैं, तो आप अपडेटेड हो रहती हैं. जी. तो ये जो अगर मान लीजिए सेंटर आपका ऐसा नहीं है, सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग हो जाता है. तो इसलिए एक्सपीरियंस पैथोलॉजिस्ट, जिसका स्पेशली ऑन्कोलॉजी के अंदर ही अपना एक्सपीरियंस हो, और जो अपडेटेड हो, उसी से जाँच कराएँ. इससे आपके लिए बहुत ही, आपके लिए बेस्ट डायग्नोसिस मिलेगा, जिससे बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हो सकेगा. कैंसर का नाम सुनते ही आधे लोगों को लगता है कि अब तो इलाज का कोई फायदा ही नहीं है, कैंसर तो लाइलाज बीमारी है, अब तो कोई फायदा ही नहीं है. 90% फैमिलीज भी सोचती हैं कि अब मरीज का कोई फायदा नहीं है. क्या सचमुच, अगर स्टेजिंग की बात की जाए, तो क्या सचमुच कैंसर लाइलाज बीमारी है? मैं ये नहीं कहूँगा ये कैंसर लाइलाज बीमारी है. अगर आप अर्ली डायग्नोसिस मिल जाए आपको, तो ये पूरा क्यूरेबल भी होता है. कई स्टेजेस, कई कैंसर्स क्यूरेबल भी होते हैं अगर आप अर्ली स्टेज में ले आए. आप स्टेजेस को डिवाइड कैसे करते हैं? हम जैसे पैथोलॉजिकली स्टेजेस डिवाइड होता है स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक. स्टेज 4 में जो है डिजीज पूरी तरह फैला होता है, स्टेज 1 और 2 में कन्फाइंड होता है, थोड़ा सा आगे चलता है. मान लीजिए किसी ऑर्गन में कैंसर है, जी. तो वो थोड़ा सा अगर अपने ऑर्गन में छोटा ही कैंसर है, कन्फाइंड है, तो स्टेज 1 है. अगर वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बाहर चला गया, स्टेज 2 हो जाता है. हर कैंसर की अलग अलग स्टेजिंग क्राइटेरिया है. जी. सो मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि हर ट्यूमर जो हर बॉडी के हर ऑर्गन की स्टेजिंग क्राइटेरिया आर डिफरेंट, डिपेंडिंग अपॉन वे अपनी जगह से कितने और बाहर चले गए. अगर वो मान लीजिए ब्रेस्ट का कैंसर है, लंग में चला गया, तो स्टेज मेटास्टेटिक हो गया. सो पैथोलॉजी का काम है कि हम स्टेजिंग करते हैं. बाकी पेट स्कैन भी होता है, जिससे आप ये स्टेज पता चल सकता है आपका. जी.
सो कैंसर स्टेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट. हम हिस्टोपैथोलॉजी की बात कर रहे थे, इसका क्या रोल है? अगर कैंसर में बात की जाए हिस्टोपैथोलॉजी की, तो क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? देखिए, डायग्नोसिस में तो मैंने बताया कि जैसे आप है ना, आप डायग्नोसिस कर रहे हैं या सर्जरी कर रहे हैं, तो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट या सर्जिकल पैथोलॉजी जैसे आपने लिखा था, उसका ये रोल है कि आपके एडुकेसी डायग्नोसिस प्रॉपर हो. सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए ताकि उसका इलाज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो सके. दूसरा, उसके जो अगर मान लो मेजर ऑपरेशन हुआ है तो प्रॉपर सारे क्राइटेरियाज जो जिसके ऊपर उसके ट्रीटमेंट डिसाइड होते हैं नेक्स्ट, मान लो रेडियोथेरेपी जाना है या कीमोथेरेपी जाना है या फिर कुछ और नहीं करना, तो सारी कुछ रिपोर्टिंग हो सके उसके अंदर. तीसरी बात यह है कि मान लीजिए किसी ने सर्जरी से पहले जी आपको कीमोथेरेपी दी है, मान लीजिए कैंसर डायग्नोज हुआ किसी का बायोप्सी में, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में होता है, तो आप है ना पहले ही कीमोथेरेपी मिलती है मेजर सर्जरी से पहले फुला होता है, तो उसके बाद हम रिस्पॉन्स असेसमेंट करते हैं स्पेशली सॉलिड कैंसर्स में और लिक्विड कैंसर के अंदर. रिस्पॉन्स असेसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. अगर पैथोलॉजिकली आपको कैंसर नहीं मिलता है आफ्टर ट्रीटमेंट, जैसे किसी का ऑपरेशन से पहले उसने कीमोथेरेपी ली 3 साइकिल, उसके बाद ऑपरेशन कराया, अगर उसको ट्रीटमेंट के बाद कोई ट्यूमर नहीं बचा, अब जो बचा हुआ ऑर्गन है उसमें, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, उसकी कैंसर फ्री सर्वाइवल टाइम बहुत बढ़िया होता है, उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है. एक चीज़ और, हमने स्टेजिंग की बात की, आपने बताया कैसे डिवाइड करते हैं, जो इलाज के दौरान रिस्पॉन्ड आते हैं उसमें आप उसको किस स्टेज के हिसाब से बांटते हैं, उसमें स्टेजिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है? देखिए, इलाज के दौरान जैसे आप इलाज कर देखिए क्या होता है कि कोई पद्धति जब कैंसर का इलाज करती है, चाहे चाहे सर्जरी का हो या कीमोथेरेपी का हो जी, तो हम उसमें फ्रीक्वेंटली एनालिसिस करते हैं, चाहे पेट स्कैन से कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में बायोप्सी और पैथोलॉजी नहीं करते हैं जी, जी. पहले ना देखते हैं कि मान लीजिए पेट स्कैन पे कोई नोड्यूल बढ़ गया, ट्यूमर साइज बड़ा हुआ या छोटा हुआ, तो उसके ऊपर जांच करते हैं. सो अगर पेट स्कैन में या फिर हम सीटी स्कैन वगैरह किसी रेडियोलॉजी तरीके से उन्होंने देखा कि इसने ट्यूमर थोड़ा सा बढ़ गया जी, तो अब वो बढ़ा हुआ ट्यूमर हो सकता है कि ट्यूमर मर रहा हो तो भी दिख जाता है बढ़ता हुआ, तो उसको रूल आउट करने के लिए प्रॉपरली ट्यूमर ही बढ़ रहा है या फिर ये ऐसी बॉडी का रिस्पॉन्स है ट्यूमर को मारने के लिए, उसको चेक करने के लिए बायोप्सी की जाती है और उसके अंदर देखा जाता है. अगर बायोप्सी में वो पॉजिटिव आता है जी, तो आपके ट्रीटमेंट एस्केलेट होता है, नहीं तो ट्यूमर जैसा ट्रीटमेंट चल रहा है वही चलेगा. एक आखिरी गोल्डन टिप, समय बेहद कम है जी, आखिरी गोल्डन टिप ये है कि आप अपना इलाज, चाहे मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट needs best diagnosis. Bilkul. So you get your diagnosis from a good center and which have like our center, and it is very important for you ki know ki cancer is not लाइलाज बीमारी नहीं है. आप अपना सही समय रहते इलाज कराइए और पहले अवेयर रह के पहले ही अपनी बायोप्सी वगैरह कराइए ताकि आपका सही से इलाज हो. डॉक्टर नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में, आपने हर सवाल का जवाब दिया और कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि मैं सच में पैथोलॉजी और पैथोलॉजिस्ट को समझ रही हूँ कि कितना अपडेट आपको रहना पड़ता है. तो डॉक्टर लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार. नमस्कार, थैंक यू.